स्वागत है भाई के चैनल में। क्या हाल है तुम लोग सबके? नहीं यार, आज इंट्रो ऐसा नहीं, मैं ऐसे इतना आईपीएल का वेंचर बख्शुई करना बंद कर चुका हूँ। मैं आईपीएल की बकवास करना बंद कर चुका हूँ तुम लोग में। बट अभी मैं अपनी आज एमआई का मैच है और 192 टारगेट है, और अभी पंजाब का बैटिंग है, पंजाब चेस करने के लिए, और 14 पे 4 विकेट है। घंटा मारती पंजाब, मतलब आज हम लोग जीत गए। सीएसके के सामने जीतने नहीं हो रहा था क्या? चुपचाप वहाँ पे जीत लेते थे ना अच्छे से, 200 रन अपन आराम से मार सकते हुए। वैसे मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था ना आज, तो मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि मैं क्या बकचोदी करते जा रहा हूँ। मैंने खुद को एक सवाल किया कि मैं क्या मैं इधर फेक बन रहा हूँ, मतलब एक बात होती है ना, तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही था। मतलब जो भी मैं बकचोदी करते रहता हूँ, जो भी मैं बात बोलते रहता हूँ, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मैं फेक नहीं बन रहा, मैं वो ऐसा ही दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि हमेशा जब भी जिम खाली रहता है, ऐसा कभी भी मैं अकेले रहता हूँ तो मैं ऐसे ही बकचोदी करते रहता हूँ, तो फिर वह नहीं, अपन जैसे वैसे ही चिल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग में से कोई मेरे को प्रोटीन गिफ्ट करो ना, क्यूटी कर सकते, क्यूटी थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे भाई का हो गया ख़त्म। आज तो वापर लिया विशाल का, अपना अलग कंपनी वापरता है, और वो बहन छूद, वो मैंने प्रोटीन वापरा लाइक ओट्स में डालने के लिए, मैं हमेशा डालता हूँ, मैं डायरेक्ट उसको ऐसा पीता नहीं हूँ। तो क्या सीन हुआ, जो गर्मी की वजह से लवड़े लग चुके, मैं डायरेक्ट ब्लॉग स्टार्ट किया, मूवी नहीं लगाया, चूतिया हूँ मैं, मालूम है टाइम नहीं लगता है खाने, तुम्हारा भाई घब 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 ख़त्म, टाइम नहीं लगता अपने को, पर वो खाने को ख़त्म करने को इतना टाइम लग रहा था ना साला, इतना हैवी फील हो रहा था। लाइक हर एक प्रोटीन का अलग ही एक बात है, ये मैंने समझ आया। बट ये एक ऐसा टी शर्ट है, अरे गोरा हो गया भाई, पहले मैं बहुत ज़्यादा गोरा था, अगर तुम लोगों को मैं जानना है तो, लाइक अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, बट पहले मैं सच में बहुत ज़्यादा गोरा था। लाइक तुम लोग फोटो चाहिए, हर चीज़ का मैं फोटो वोटो करते रहता हूँ, क्योंकि भाई मेरा बस बिफोर ही अच्छा था, आफ्टर में तो मेरे लवड़े लग गए। बोलते हैं ना, स्कूल का टाइम अच्छा था, स्कूल का ही टाइम था जो था, उसके बाद तो कॉलेज तो तुम्हारा भाई मुश्किल से जाता था, मैं जाता भी नहीं था, मेरे को कॉलेज में से कोई छाटा जानता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जाता ही नहीं था ना, मतलब बहुत रेयरली, सिर्फ 11th में गया था देखने के लिए क्लास में लड़कियाँ कैसी है, फिर बाद में उसके बाद कभी गया नहीं, समझ जाओ। तो चलो भाई, लोग डायरेक्ट जिम में मिलता हूँ आज, मेरे में सच बता रहा, शक्ति नहीं है, सच बता रहा हूँ, बेंच में जीरो शक्ति है, नींद में पड़ा हूँ मैं, 4 घंटे नींद लगे तुम्हारे सामने हूँ, लाइक रात को 4 घंटे सो जाता था, वो तो मैं अपनी वजह से इतना लेट हो गया, वो भी सीन नहीं है। लेग से ऊपर से एक तो एनर्जी चाहिए होता है, और बैंक शोध एनर्जी ही नहीं है मेरे में, बट फिर भी जिम तो गांड मरा के जाऊँगा, 20-25 मिनट दूर है भाई, फिर भी चल के जाने का, चल के आने का, फ्रस्ट्रेट पड़ा हूँ। हमें लाइफ में भाई पहली बार पी रहा हूँ मैं, बहुत सुना है, मैं बहुत लोगों ने जोई है, मतलब हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन में आ बधु जो है, पिंक सॉल्ट नमक ने बधु, खराब हो गया मेरा भाई शो।
ऊपर जो थके जाए। अरे ऊपर जो आ रहे हैं तो चलते जाए। स्वास्थ्य चोट कौन थी? થોડુંક પાછળ જ્યાં શરીરમાં આવી છે તરીકે उसके साथ क्यों ट्रेन नहीं कर रहा है तुम लोग भाई वंडर करते हो ना, तो मेन रीज़न ये रहता है कि भाई इसके साथ आओ ना तो बैंक से सिर्फ टाइम पास होता है छुट्टियाँ। इसके लिए मैं ना सोलो ही प्रीफर कर रहा हूँ हमेशा, इसके लिए मैं ट्रेन भी अकेला करता हूँ। तेरा नहीं है ना घूस रही है तारा वजह से हमारे टाइम वेस्ट किया है, मेरा नुकसान कौन कर से भाई मेरे से। मैंने 3 सेट किया है कल और इसमें टाइम वेस्ट किया छुट्टियाँ, मतलब तू आयो टाइम पास करवा जाता है। ये तो जो 3 सेट ही किया इसको 2 घंटा लगा। 3 सेट किया 3 एक्सरसाइज। अच्छा तो मैंने स्क्वाट्स ना 5 सेट करे हैं और लोगों ने बताया इसके बेस आज स्क्वाट में मैंने पीआर मारा। अरे पानी में कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम है इसके। इसने पीआर मारा और बाद में मैंने अपना रेगुलर सेट मारा उसके साथ। ऐसे तुम लोग कभी जिम में नहीं बनना चाहिए, लाइक देखो इट्स फाइन, तुम लोग अपना अपना जर्नी है, सोलो जर्नी, यू गाइस शुड नॉट कंपेयर विद। कितना हल्का उठाता है मैं इधर बहुत बकबक किया लेकिन वो हुआ ही नहीं, फिर से बकबक करता। तो फिर वो क्या बोलते हैं, तो फिर वो स्क्वाट्स करने गया ठीक है। तो फिर जो मिड वे जब नीचे जाते हैं ना उसके बाद ऊपर आने के टाइम कैसे सीन हो रहा था कि इसने ज़्यादा वेट डाल दिया था और मेरे को पता ही था, ये 2 साल पहले की बात है। तो जैसे स्क्वाट्स मारने के लिए मैं ऊपर आ रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं, इसको आइडिया था पर इसने बताया नहीं, जान मुझ के किया मरवा रहा था मेरे को। जैसे ही ऊपर आ रहा था मेरा सांस उठ गया, मैं बोला भाई फिर कैसे, तो मैंने उठा लिया और कर लिया, बट वो मन में फोबिया बैठ गया मेरा। बट अभी चिल है, अभी सीन थोड़ा, अभी मैं स्लोली स्लोली जा रहा हूँ, बट वो एक बैठ जाता है दिमाग में। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा छील मार के वेट छुटाओ, अपने औकात को पुश करो बट औकात के बाहर मत जाओ, ये ध्यान में रखो। देख लो बड़े भी गियर कहते हैं, इसके लिए नहीं आता, मैं इसके साथ छूट गया, इसकी बक्शोली ख़त्म ही नहीं होती। 2 बज गए बताओ, ट्रेनिंग तो 1 बजे ख़त्म हो गया था, उसके बाद 40 मिनट से बक्शोली हुई है। मजा आ रहा भाई इसको छोड़। नहीं नहीं तो नहीं आओ उस दिन, नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नहीं आओ तो नहीं आओ। लिफ्ट भी मेरा, लिफ्ट भी मेरा, मंगो चालू कर बेंच। येरो येरो 8 बजे से आते। We out boy, we free from the city. Yes sir. Hey गेंडा, hey यार चला भाई आता हूँ।